कल जितिया का व्रत है, आज नहाए खाए था, आज शाम को ही मैं पूजा का सामान लेके आ गई, कल व्रत में नहीं हो पाएगा इस वजह से। और बहुत सारा एक्टिविटी भी है समीक्षा का, पूजा का फल फूल सब लेके आ गई हूँ, और समीक्षा का एक्टिविटी है उसमें भी हेल्प करना है। जाती हूँ पहले मानव के लिए भी चिप्स लाई हूँ, देती हूँ उसको खाने के लिए, तब फिर और काम। हाय गाइस, आज जीवित पुत्र का व्रत करना है खाए है, तो मैं अभी हो गया सारा काम, शाम को गई सामान सब लेके आई, देखिए मानव क्या कर रहा है। चिप पार्टी, आज मरवा मछ खाने का था, लेकिन आज गुरुवार पर आना तो मैं नहीं खाई मछली, मैं ना नॉन वेज गुरुवार को नहीं खाती हूँ, तो इस वजह से मैं इस बार मरवा मछ नहीं खाई, लेकिन खाना वाना बनाई खाई पी। मेरे हस्बैंड तो है नहीं, गुजरात गए हुए हैं, तो अकेले सब काम, बस वही सब। समीक्षा का स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है, देखिए मैंने बर्ड बनाया, मतलब मैं और समीक्षा मिलके, कैसा लग रहा है? अच्छा, अभी इसको और डेकोरेट करना बाकी है, मैं डेकोरेट करके तब फिर आपको दिखाती हूँ। हाय गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, देखिए मेहंदी का कलर ऐसा है। जाती हूँ पूजा करने, फिर मैं पूजा करती हूँ और दिखाती हूँ आप लोग को कैसे मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पर मैं सारा फल को धो के रखी हूँ, केला का पत्ता आप पूजा करूँगी, लाल कपड़ा भी। जितिया का व्रत जो होता है सबसे भारी व्रत यही होता है, इसमें बिना पानी का करना पड़ता है। इस बार तप पर भी सही है कि कम ही है, क्योंकि सुबह इस बार ओटगन था, मतलब ओटगन है ना, इसलिए सुबह 5 बजे तक लोग चाय पानी पी लेगा, जिसको खाना रहेगा। मैं तो नहीं खा सकती क्योंकि मुझे उतना जल्दी खा के फिर ना मुझे गैस बनती है, क्योंकि खा लो उसके बाद उल्टी उल्टी या कुछ आना नहीं चाहिए ना, तो व्रत भंग हो जाता है ना, तो मैं इसलिए कुछ नहीं खाती पीती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ। तो चाय पानी सुबह पी लो तो उतना नहीं लगता है। इस बार तो क्या हुआ कि सुबह रात मतलब दूसरे दिन 10:30 बजे पारण था, 10:32 पे, तो अच्छे से व्रत का इस बार का अच्छा है। नहीं तो वो कभी कभी अष्टमी हुआ, पिछले बार भी शाम को पारण था, शाम वाला पारण में ना बहुत हो जाता है, 2 दिन पूरा एक रात ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस बार तो मेरा बहुत मतलब क्या बताएं, इतना काम, ये वो, इसका स्कूल का प्रोजेक्ट, साइंस एग्जीबिशन है उसका, फिर स्कूल जाना है, ओपन हाउस भी उसी दिन है सैटरडे को, सब कैसे मैनेज करती हूँ, धीरे धीरे करके करती हूँ, व्रत भी है, और फिर सब भगवान पार लगाएंगे, सिर्फ करने से भगवान जी सब पार लगा देते हैं। वैसे जितिया व्रत में ना बहुत ये है, मैं तो कब से कर रही हूँ, जब समीक्षा हुई थी तभी से, मेरा तो 8 साल 9 साल से मैं कर रही हूँ। समीक्षा जिस बार हुई थी उसी बार से मैं जितिया कर रही हूँ। लेकिन बहुत लोग क्या करता है, मतलब हमारे गांव में जिसको लड़का होता है ना वो ही जितिया व्रत करेंगे, लड़की होगी तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ससुराल में सबको लड़की हुई और सबने व्रत शुरू किया था, तो मैंने भी जैसे समीक्षा हुई ना मैंने भी व्रत शुरू कर दिया। तो तभी से मैं व्रत कर रही हूँ, मेरा भी 8-9 साल हो गया व्रत करते करते। लेकिन एक बात पता है, 8-9 साल से मैं व्रत कर रही हूँ, सब बार लंबा लंबा ही व्रत पड़ता था, इस बार ही सोचिए तो छोटा है कि सुबह पारण है, मतलब यदि सुबह पारण भी रहता था ना तो सुबह का ओटगन नहीं रहता था, ओटगन नहीं होके ना सुबह ही शाम में ही अष्टमी चढ़ जाती थी। बस यही है। वैसे अभी समीक्षा बड़ी हो गई है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से, मतलब उतना परेशान नहीं करती है समीक्षा, तो अब मैगी भी बनाना आ गया है, वो खुद से मैगी भी बना लेती है। वैसे मैं उस वो लोग के लिए दाल चावल बना दी थी और आलू का फ्राई समीक्षा खुद से कर ली थी, आलू फ्राई करके पापड़ छान ली थी, तो फिर वो लोग वही, क्योंकि दाल चावल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मानव भी खा लिया, तो दाल चावल मानव भी खाया और समीक्षा उसमें आलू का चक्का बनाई, मतलब आलू फ्राई की और ये पापड़ छानी, तब वो खा ली। और रात में समीक्षा को ना मेरी पड़ोसी है ना वही बोली थी कि रात में खाना खा लेना, तो फिर वो रात में उधर ही खा ली, तो खाना का तो उतना टेंशन नहीं था, तो फिर व्रत बिना पानी का तो हो ही जाता है, पानी और चाय पीते रहिए तो कोई भी व्रत कोई मायने नहीं रखता है।